सिलसिला शुरू किया हुआ है उसके लिए जितनी भी बधाई दे आशीर्वाद को वो कम है। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम आज का कार्यक्रम शुरू करें आशीर्वाद की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो सारे तमाम कर्ता धर्ता हैं उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दें आशीर्वाद के लिए। थैंक यू वेरी मच। बातचीत करने के लिए मैं बार बार आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूंगी। तो लीजिए आज के गायक जो सबसे पहले आ रहे हैं देखने में भी भगवान ने उन्हें अच्छी सूरत शक्ल दी है और आवाज भी बहुत अच्छी दी है, वरना ये भगवान जो हैं कभी ना कभी काट कसर कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, लेकिन इस कलाकार पे भगवान बहुत मेहरबान है। और मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो जल्दी जाना है।
बहुत अच्छी म्यूजिक दे रहे हो, लेकिन ये पोपा पोपा पो में ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी का बच्चा आ रहा है। भाई और बहनों, मैं ये कहने आई थी कि शफी इनामदार साहब यहाँ आ चुके हैं। भाई और बहनों, सागर साहब किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। फिल्म इंडस्ट्री जिन सतूनों पे टिकी हुई है
उनमें से बहुत ही कवि सतून हैं हमारे सागर साहब। और जहाँ तक रामायण का संबंध है और उसके बाद कृष्णा का, मेरा ख्याल है कि इनका नाम रहती दुनिया तक हिस्ट्री में उजागर रहेगा। और जाहिर है कि आप मेरे से ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे सागर साहब को। दोस्तों, आशीर्वाद को आशीर्वाद देना तो बड़ी मुश्किल बात है। आशीर्वाद स्वयं ही आशीर्वाद है और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बरसों से काम कर रहे हैं। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे अजीज़ रणधीर कपूर को उनकी फिल्म हिना के लिए जो अवार्ड दिया जा रहा है, इसके साथ बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं हमारी। राज साहब के साथ, पृथ्वीराज जी के साथ कोई ऑलमोस्ट हाफ ए सेंचुरी के रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं। और जब उनकी बात सोचता हूं तो एक यादों का एक जलूस है जो आंखों के सामने से गुजरना शुरू हो जाता है। क्या क्या वाक़या सुनाऊं, क्या क्या उनकी बातें कहूं। बस यही है कि इन बच्चों ने उस ख़ानदान का नाम रोशन किया हिना बनाकर, न सिर्फ अच्छी फिल्म बना के बल्कि उस फिल्म के थीम को ठीक तरह रख के, संभाल के। मोहब्बत बहुत सारी कैदों को तोड़ देती है, बहुत सारी सीमाओं को तोड़ देती है। और मोहब्बत ही है जो अल्टीमेटली आगे जाके भक्ति का रूप भी दाखिल करती है। लेकिन मोहब्बत जब मुल्कों की सीमाओं को तोड़ देती है तो तब हिना जैसी मोहब्बत की कहानी बनती है, समझा। तो इसके बाद जब मुल्कों की हदें टूट जाती हैं तो उसके बाद इंसान और ये आकाश की हदें टूट जाती हैं, फिर इंसान का इसके बाद सिर्फ भगवान से ही रिश्ता रह जाता है, भक्ति का। और आजकल मैं उसी समुद्र में गोते लगा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आदे साहब। और बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफी के डायरेक्टर और डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए, मिस्टर लॉरेंस डिसूजा और सुधाकर बोकाडे साहब। इस साल आशीर्वाद की तरफ से इन्हें स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है डायरेक्शन का, फिल्म साजन के लिए। और सुधाकर बोकाडे साहब जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और मेरा ख्याल है कि जो नया नया काम प्रोड्यूसर का दिमाग सोचता है और उसे फिर अपने दिमाग से सहायता दे के उस नए अंदाज को पेश करता है। आर्टिस्टों को तो खैर क्रेडिट मिल ही जाता है एक्टिंग का, लेकिन उससे ज़्यादा क्रेडिटेबल बात है प्रोड्यूसर का सोचना और डायरेक्टर का उसे तस्वीर बना के पेश करना। मैं चाहूँगी सुधाकर बोकाडे साहब के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इनकी फिल्म को भी स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है साजन को। आप कुछ कहेंगे सुधाकर साहब? कि जब से हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बनी है, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन, या विलन की जगह अमरीश पुरी की जगह हालात भी आ सकते हैं या किस्मत भी आ सकती है, ये नया अंदाज लॉरेंस डिसूजा साहब आपने जो पेश किया है, जो लोगों के दिमाग पे छाया हुआ है, यानी आपकी फिल्म साजन आज हर दर्शक के दिल के लिए साजन बनी हुई है, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि ये अनोखा थॉट आपके माइंड में कैसे आया? कि हर जगह मारा मारे, सुबह पेपर पढ़ो तो यहाँ मारा मारे, यहाँ लोगों को पसंद आया। और आप लोग का आशीर्वाद से कि ऐसी पिक्चर हम बनाते रहें और ऐसे आशीर्वाद अवार्ड मिलते रहें, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बोले। और मैं यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए थोड़ी सी ज़रा वजाहत कर दूँ, और हमारे आदरणीय टेलीविज़न वाले बुरा ना माने तो भी ये कहूँ कि आपने वो फिल्म बनाई है जो न्यूज़ से हटके है, वरना हर फिल्म में आतंकवाद होता था, जो न्यूज़ों में समाचार होते थे वो आपने हटा के, लड़ाई झगड़े हटा के मोहब्बत और प्यार बिखेरने की कोशिश की है। ज़ोरदार तालियों के साथ हम आप दोनों का स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगी तुम्हें जीवन के हगल। इस राह में दिल पर चढ़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगी तुम्हें जीवन की हगल। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहे,
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और बहनों, साथ ही साथ अब जो नाम हम पहले अनाउंस कर चुके थे वो यहाँ पे आ गए हैं। मैं करमचंद जी से विनती करूँगी कि बगैर गाजर हाथ में लिए स्टेज पे तशरीफ ले आएं अपनी बेगम के साथ। पंकज कपूर जी से विनती है कि वो भाई और बहनों, जाहिर है कि जब इतने ज़बरदस्त और दर्शकों के फेवरेट कलाकार स्टेज पे हों तो लोग उन्हीं को सुनना चाहेंगे, उन्हीं को देखना चाहेंगे। वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होती हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चूंकि इनका संबंध जीवन भर का संबंध है और घर में भी बोलना जब होता होगा तो पहले सुप्रिया ही बोलती होंगी, तो कम से कम स्टेज पर तो मौका दें पहले बोलने का। पंकज भाई, आपको है? जो बात आपने कही है काफ़ी सही है, तो यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला है, लेकिन हम लोगों को दरअसल आदत होती है जो कुछ हमें लिखा हुआ मिलता है वही बोलने की। अब जिस तरह की काबिलियत तबस्सुम जी रखती हैं उस तरह की काबिलियत हम लोगों के पास शायद नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ आप सब लोगों के बीच हैं और यहाँ बुलाया गया है और आप सब लोगों के बीच होते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है और हमेशा अच्छा ही लगता है कि आप काम करें और लोगों को आपका काम पसंद आए, आपकी ख्वाहिश हमेशा यही रहती है। धन्यवाद। आपसे एक प्रश्न हम पूछेंगे। सुप्रिया ने इतनी बेहतरीन अदाकारी की है फिल्मों में भी और टेलीविजन सीरियल में भी, इनकी कौन सी अदा, कौन सा अंदाज किस सीरियल का आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? वैसे तो इनका हर अंदाज ही बेहद खूबसूरत है और बहुत अच्छा है, और मुझे इनका स्क्रीन का हो या पर्सनल जिंदगी का हर अंदाज बेहद पसंद है, लेकिन इनका जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो बाजार फिल्म में मुझे इनका परफॉर्मेंस बेहद बेहतरीन लगा था। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुप्रिया जी, अब दो शब्द आप कहें। मैं तो यहाँ इनकी अर्धांगिनी होके आई हूँ, तो मैं वही रहना चाहूँगी। इन्होंने जो कहा उसमें मेरा भी हाथ था। थैंक यू वेरी मच। आप इनकी अर्धांगिनी हैं ये तो जाहिर है, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही टॉप मोस्ट अदाकारा भी हैं, दोनों स्क्रीन की, बड़े स्क्रीन की भी और छोटी स्क्रीन की भी। और आपके पति भी चूंकि इतने ज़बरदस्त कलाकार हैं, सिर्फ इनके दो सीरियल का मैं नाम दे देती हूँ, बताइए कि ये किस रूप में आपको अच्छे लगे, करमचंद या फटीचर? दोनों ही, और वो जितने रूप धारण करेंगे उन सब में बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, इसी वजह से तो शादी की थी मैंने। थैंक यू वेरी मच। भाई और बहनों, जोरदार तालियों के साथ हम अपने इन मेहमानों को रुख्सत करते हैं। भाई और बहनों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अश्वनी जी यहाँ पे आ गई हैं। वैसे स्टेज पे आने में इन्हें थोड़ी सी देर लगी, मैं देख रही थी ट्रैफिक में थोड़ी सी फंस गई थी, और जाहिर है कि चाहने वालों का अगर ट्रैफिक हो और दर्शक चारों तरफ घेरले हुए हों तो ये मज़ा बहुत ही अच्छा होता है। हम चाहेंगे कि आप अपनी फिल्म हिना के बारे में और उससे भी बढ़कर राज कपूर जी के जो बेटे सुपुत्र रणधीर कपूर साहब हैं उनकी डायरेक्शन के बारे में कुछ कहें। हिना फिल्म ने मेरे लिए कुछ ख़ास अहमियत रखती है, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सागर में शामिल होने का मौका दिया और ख़ास करके आप लोगों के सामने आने का मौका दिया। और एक बात मैं बड़े अभिमान के साथ कहना चाहूँगी कि जो प्यार, जो अपनापन, जो बराबरी का रिश्ता मैंने आर के कैंप में महसूस किया है, शायद ही किसी और यूनिट में महसूस कर पाई हूँ। और डब्बू जी के बारे में, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, खुश मिजाज हैं, मिलनसार हैं, आर्टिस्ट को
सही तरह से जानते हैं, आर्टिस्ट के साथ सही कम्युनिकेशन रखते हैं, जिस वजह से हम जैसे नए कलाकारों को अपनी अदायगी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ी आसानी के साथ हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके दिमाग में जो कुछ भी बातें हैं किरदार के बारे में वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आपके सामने पेश कर सकते हैं। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ज़ोरदार तालियां भाई और बहनों अश्विनी जी के लिए। और हम आपको बता दें कि ये बातचीत का सिलसिला हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दर्शक चाहते हैं कि जो कलाकार आए हैं वो सिर्फ अवार्ड लेके थैंक यू करके वापस ना चले जाएं। हम यहाँ देख रहे हैं तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट, मुस्कान। लेकिन आजकल जिस दौर से ये दुनिया गुजर रही है लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, क्योंकि कदम कदम पे दुख और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा और खुशियाँ बहुत कम हैं। ऐसे में उर्दू के एक बड़े मशहूर शायर का शेर है, शेर सुनाने से पहले मैं ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाने के लिए कहूँगी, रणधीर कपूर साहब आ गए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और तालियां बजाते हैं। रणधीर जी बैठ गए हैं, मैं चाहूँगी कि उनके इर्द गिर्द बच्चे जो ऑटोग्राफ लेने के लिए आ गए हैं मेहरबानी करके वो भी बैठ जाएं, ताकि प्रोग्राम का भरपूर मज़ा आप ले सकें। तो बात हो लखों का ख़जाना लिए आ रहा है वो ज़बरदस्त कलाकार जिसने ऐसी शोहरत हासिल की है कि उसका नाम लेना ही काफ़ी है, नाम के पीछे उसकी सिफार, उसकी फिल्मों के नाम अगर हम ना भी जोड़ें तो उसका नाम काफ़ी है, और वो है जॉनी लीवर। भाई और बहनों, उपस्थित तमाम हमारे फिल्मी सितारे भाई, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हस्ती यहाँ पर जो मौजूद हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम। अभी अभी हम लोग छुटकारा पाए हैं बारिश से, बारिश का मौसम जो है बम्बई की बारिश अजीब व गरीब बारिश होती है, आप जानते हैं बारिश में हर आदमी परेशान होता है, बारिश ना हो तो भी परेशानी, बारिश ना हो अरे कमाल यार बारिश नहीं यार क्या क्या यार भगवान है कि नहीं यार क्या पॉलिटिक्स है यार, और बारिश हो तो अरे यार क्या यार लिमिट है 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया यार कमाल यार ये पानी ये पानी ये पानी, और पानी भर जाता है हर आदमी उसके अंदर, किसी गाड़ी बंद पड़ी वो अलग परेशान है, को क्या है कोई क्या ढूंढ रहा है कोई क्या ढूंढ रहा है, एक भाई साहब पानी में, एक ने पूछा क्या ढूंढ रहा है, साइकिल ढूंढता मैं साइकिल रखा, उसने एक अलावा साइकिल ढूंढ रहा है, सुबह से मारुति कार ढूंढ रहा हूँ मैं, धड़ मारुति 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 ये लेके हुए बोला ना तेरे को यही पार किया था मैंने राजा, धक्का लगा धक्का लगा हिल नहीं रहा क्या है पोस्ट बॉक्स है, अबे तेरी तो आगे मारुति 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 ये 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 मैं बोला ना अरे सड़क के आ गई यहाँ तक चल धक्का लगा वहाँ पानी कम है तेरा वहाँ तक धक्का मारा चल चल कचरे का डब्बा बाहर लेकर आया, बारिश पड़े। अलका जी हम आपका स्वागत करते हैं, और हम आपको बता दें कि वैसे तो आपके लाखों करोड़ों फैन हैं, लेकिन जहां तक मेरा अकेली का संबंध है मैं भी आपकी अदाकारी की बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूं। आशीर्वाद अवार्ड कमेटी ने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा, इसलिए मैं बहुत आभारी हूं, थैंक यू वेरी मच। गी की अपनी मधुर आवाज़ का और अनोखे अंदाज का जादू भी जगाएं, और वो कोई और नहीं इला अरुण जी हैं, ज़रा तशरीफ़ ले आइए इला जी आ जाइए। भाई और बहनों, इला जी यहाँ आ गई हैं, और इनके बारे में भी मैं यही कहूँगी कि इतना अलग थलग अंदाज है इनका कि बस जी चाहता है कि इन्हें सुनते ही जाओ। आवाज़ें बहुत निकल रही हैं, नई नई भी आ रही हैं, लेकिन हिंदुस्तानी प्लेबैक की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मुकेश साहब जो बड़े बड़े हाईवे बना के चले गए, ज़्यादातर नए आने वाले लोग भी उन्हीं हाईवेज पे चल रहे हैं और उसी अंदाज को अपनाए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक इला अरुण जी का ताल्लुक़ और संबंध है, इन्होंने अपनी राह अपने लिए एक हाईवे खुद तामीर किया है, और मैं चाहूँगी कि उसकी एक झलक दर्शकों को ज़रूर दिखा दें। मैं सबसे पहले माननीय गिरजा जी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये इत्तेफाक है कि मैं राजस्थान से हूँ और आज हमारे यहाँ की मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं कला की नगरी में, और इसीलिए मैं राजस्थान की दो लाइनें आपको गा करके आपका अभिनंदन करूँगी।
मिला। समझिए कि मैं रेगिस्तान के टीलों पे आपको ले चुकी हूँ, ले जा रही हूँ जहाँ पे एक तना आवाज घूम रही है, सुख रिदम में होगी। नहीं जाना नहीं जाना परदेश सवरिया, ओ नेहा लगा के अरे नहीं जाना चाहूंगी कि आशीर्वाद का ये आशीर्वाद मेरे साथ रहे और ये नौबत आए कि मैं कुछ ऐसा अच्छा काम करूं कि यहाँ दोबारा आऊं और अवार्ड पाऊं। वैसे मुझे मिल चुका है साल भर पहले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। कलाकार हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में अमर रहता है अपनी कला के जरिए, अपने फन के जरिए। और यहाँ तो हम ये कहेंगे कि राज कपूर जी की याद अगर हमारे दिलों में जिंदा है तो आज भी वो हमारे साथ हैं रणधीर कपूर के रूप में। रणधीर कपूर जी, इन दोनों कलाकारों की मन की भावना को सराहते हुए फूल पेश कर रहे हैं। देव मोटवानी के लिए तालियां। जी शांताराम जी के लिए तालियां। भाई और बहनों, वैसे तो माँ शब्द और माँ का तसव्वुर ही ऐसा है जिसकी इबादत में, जिसकी प्रार्थना में, जिसकी
पूजा में आंखें झुक जाती हैं, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में माँ के इस रूप को जो निरूपा जी ने उजागर किया है उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। निरूपा जी, माँ बन के आशीर्वाद वालों को आशीर्वाद दे दो। माननीय श्रीमती डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, आदरणीय मेहमानों, मुझे कला शिरोमणि का अवार्ड देकर जो सम्मान दिया है, मैं इसके लिए आशीर्वाद उनकी कमेटी मेंबर्स और तमाम कार्यकर्ताओं के आभारी हूँ, क्योंकि कलाकार के लिए खुशी की बात यही होती है कि लोग उनकी कला को सराहें और उन्हें प्रेरणा दे, और मुझे उम्मीद है कि आशीर्वाद आगे भी इसी तरह हमारे कलाकारों का सम्मान करें। धन्यवाद। निरूपा जी, यहाँ पे मुझे माँ के लिए एक शेर याद आ रहा है। गर कोई मुझसे ये पूछे कि मैं अपनी माँ को क्या कहता, न होता कुफ्र दुनिया में तो मैं माँ को खुदा कहता। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जब नौजवानों में से कला के फव्वारे और कला के धारे निकलते हैं, समीर एक ऐसा नाम है जो आजकल गीतकारों की दुनिया में बहुत ही नुमाया है, और साथ ही साथ होनहार नौजवान और फिल्म जगत के नदीम और शर्मन साहब भी आसमान पे चमकते हुए सितारे, जिन्हें साल का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का भी अवार्ड दे रहा है आशीर्वाद। फिर भी न तू बचवाएगा तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा में बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, में बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बस
सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, असली बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। तो लीजिए सब लोग जो चाह रहे हैं वही आइटम मैं अनाउंस करने जा रही हूँ, आज की इस फंक्शन के बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर और बहुत ही कम समय में शोहरत की बुलंदियों को छू लेने वाला लंबा कलाकार कुमार शानू। शानू कुमार शानू आपके सामने आ रहे हैं। गाना गाना पड़ेगा, आशिकी करनी पड़ेगी दर्शकों से। भाई और बहनों ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि अगर गायक हो तो वो जो भी बोले गा के बोले, लेकिन कभी कभी गायक तहत में कैसा बोलते हैं बगैर गाए कैसा बोलते हैं वो भी आ जाता है गानों में, और उस वक्त जब वो बोलते हैं गाते गाते तो वो मज़ा और दुगना हो जाता है। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से पहले कुछ बोलें और फिर गाएं। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, चाहिए आशिकी के लिए। साज की जरूरत है जैसे, साज
की जरूरत है जैसे मौत की के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए आशिकी के लिए आशिकी के लिए आशिकी के लिए। शानू भैया जवाब नहीं आपका, लेकिन वाकई ये कहेंगे कि जिंदगी में जीने के लिए एक ना एक सनम तो चाहिए, लेकिन ज्यादातर सनम ऐसे होते हैं जो बेवफाई कर जाते हैं, और उनके लिए एक शेर याद आ रहा है, वफा तुम करोगे ये दिल मानता नहीं, फरेब उसको दो जो तुम्हें जानता नहीं। तो भाई और बहनों, अगर ऐसा सनम ढूंढना है जो फरेब ना दे, बेवफाई ना करे, तो मेरा ख्याल है कि भगवान और खुदा से अच्छा सनम कोई हो नहीं सकता। उससे आशिकी करो, मजा जिंदगी का आ जाएगा। ठीक कहा कि नहीं? अब ये वाह वाह भी जरा गाई के कर दो। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहे भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, ये प्यार तो तुमसे करता है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मोहब्बत और प्यार का संदेश फैलाने जो ये नौजवान जोड़ा निकला है, मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों के बाद तूफानी म्यूजिक
लोगों को झंझोड़ने वाला म्यूज़िक, साजों के ज़रिए दर्शकों पर चढ़ाई करने वाला म्यूज़िक कम होकर कुछ दिल को छूने वाला संगीत हमें छूने को मिल रहा है, और वो हमारे नदीम शरवण हैं। यहाँ पे मैं यही चाहूँगी कि नदीम भाई कुछ कहें और शरवण भाई एक गाना पेश करें। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द आशीर्वाद पीपल हियर कंसर्न्ड फॉर ग्रांटिंग अस सच अ बिग ऑनर। आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू मिस्टर सुधाकर बकाड़े जी हु इज माय producer, my mentor. Without his cooperation, I think Sajan would not have been possible. He gave us the opportunity of composing something which has been really appreciated by people around the world. And my favorite director, Mr. Lawrence D'Souza. And my team, Sameer and Shanu, without him, without all of them, we are incomplete. And without all of you again, we are also incomplete. So thank you very much. इस खाकसारी का बहुत बहुत शुक्रिया शरवण भाई। आप अच्छा, शरवण भाई कह रहे हैं कि जब कुमार शानू यहाँ पे हैं तो फिर मैं क्यों गाऊं। तो लीजिए, हम इन दोनों ज़बरदस्त संगीतकारों का हार्दिक स्वागत करते हुए, बधाई देते हुए यही कहेंगे कि ज़ोरदार तालियों के साथ हमें निरुत्सत करें। फिल्में लिखे हुए गाने तो चारों तरफ गूंज रहे हैं, यहाँ मैं चाहूंगी एक आज शेर गैर फिल्मी सुना दें। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आशीर्वाद वालों का और हमारे दोस्त नदीम श्रवण साहब का और ये तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, इनमें मेरे पिताश्री भी यहाँ हैं जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, जिसकी वजह से आशीर्वाद अवार्ड मुझे मिला। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोग मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि सक्सेस के बाद आपको कैसा लगता है। तबस्सुम जी ने बोला कि कोई एक शेर बोलिए, तो एक शेर अर्ज करता हूँ कि इस जमी आसमां से आगे हूँ, इस जमी आसमां से आगे हूँ, वक्त के कारवां से आगे हूँ, इस जमी आसमां से आगे हूँ, वक्त के कारवां से आगे हूँ, मैं कहाँ हूँ ये खुदा जाने, कल जहाँ था वहाँ से आगे हूँ। लेकिन आजकल के बच्चों में अमरीश पुरी है, गुलशन ग्रोवर है, शक्ति कपूर है। आजकल के बच्चों ने हम कलाकारों के नाम का पोस्टमार्टम करके रख दिया है। मेरा नाम है किशोर भानुशाली, लोग मुझे कहते हैं किशोर पहनू साड़ी। वो तो ठीक है, दूसरों के भी नाम के कैसे पोस्टमार्टम किए गए हैं, सुमित साइकिल पर हैं, सुमित साइकिल पर, शिल्पा रोड पर, किमी घाट पर हैं, हैं, सुमित साइकिल पर, शिल्पा रोड पर, किमी घाट पर, सुरेश उबेरा, मिठुन चढ़वर्ती, रोहिणी हाथ गाड़ी, मीनाक्षी छछुंद्री, संगीता खुजलानी, लक्ष्मीकांत बेवड़े, डिंपल ने कपड़ा लिया, हेमा मारेगी, गोविंदा गोलंडा, आम रस पूरी, अमरीश पुरी, दीपक परेशानन, अमिताभ बच्चन, अनुपम गैर, परेश चावल, जूही चावला। मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरजा व्यास से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। डॉक्टर गिरजा व्यास, जोरदार तालियों से हमें स्वागत करना है। श्री अरुण गुजराती, हमारे रमेश दुबे जी हमारे स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर हैं। श्री रणवीर कपूर से अनुरोध करूंगा कि क्या मंच पर इस सेरेमनी में आप अपना सम्मान जाहिर करने के लिए जैसे ही जो चले Thank you.
खूबसूरत मौका है कि हिना के लिए रणधीर कपूर और रणधीर कपूर जी के लिए हिना की तरफ से ये अवार्ड हमारी आदरणीय मिनिस्टर ने अपने शुभ हाथों से पेश किया। जोरदार तालियां बजनी चाहिए तभी मजा आएगा। रणधीर जी की इतने सालों की मेहनत तपस्या जो है कंटिन्यू रहेगी। अरुण गुजराती साहब अपने हाथों से डॉक्टर लेखा पाठक की खिदमत में मेडिकल के लिए ये अवार्ड जो साल आशीर्वाद ने खास सिलसिला शुरू किया है उन्हें दे रहे हैं। पटेल साहब स्टेज पे आ गए हैं और मैं आदरणीय मिनिस्टर दुबे जी से विनती करूंगी कि वो आए और सोशल अवार्ड दें। श्री मुकेश पटेल जी की सेवा में सोशल सर्विसेज के लिए अवार्ड पेश कर रहे हैं आदरणीय मिनिस्टर हमारे श्री रमेश दुबे साहब। तालियां नहीं बजेंगी तो लगेगा कि अवार्ड इन्हें क्यों मिल रहा है, आप जरा भी खुश नहीं। लोगों की खुशी में खुश होना सबसे बड़ी खुशी होती है। नैनी जिसके नैनों की कटार ने सबको घायल किया हुआ है इसका अवार्ड लेने के लिए आ रही हैं पल्लवी जोशी और मोहन भंडारी साहब दोनों एक साथ। इन दोनों कलाकारों को मृग नैनी के हीरो और हीरोइन पल्लवी जोशी और मोहन भंडारी को अपने हाथों से अवार्ड दें। Thank you.
बजने चाहिए। जादू चारों तरफ जगा रहा है अपने मुकद्दस हाथों से। अवार्ड देकर उनकी हिम्मत अफजाई करें, नए जोश और नए वलवले पैदा करें। अगर जिम्मा टीचरों पे है तो साथ साथ डायरेक्टर्स पे भी। हमें उम्मीद है कि लॉरेंस डिसूजा इसके बाद एक से एक बेहतरीन फिल्में हमें देंगे।